हमने ये प्रोजेक्ट बनाया स्मोक अलार्म। स्मोक अलार्म का किसी भी स्मोक अलार्म का काम ये होता है कि उसने डिटेक्ट करना होता है कि स्मोक तो नहीं कहीं आई, अगर कहीं भी आग लगे तो स्मोक तो ज़रूर होगी। इस अलार्म का काम ये है कि उसने स्मोक डिटेक्ट करनी है कि अगर थोड़ी सी भी स्मोक होगी या ज़्यादा स्मोक होगी, जितनी भी स्मोक होगी वो इसकी सेंसिटिविटी भी डिपेंड करेगा कि हमने कितना सेंसिटिव किया हुआ है। अगर सेंसिटिविटी इसकी बढ़ाई हुई है इस नोब से सेंसिटिविटी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो है इसकी अगर सेंसिटिविटी हम बढ़ा देंगे, यानी कि इसने थोड़ा सा धुआं भी डिटेक्ट कर लेना है। अगर सेंसिटिविटी कम कर देंगे तो बहुत ज़्यादा धुआं अगर होगा तो वो डिटेक्ट करेगा। अब यहाँ पे ये जो आईसी है ना, इसका काम ही ये है कि इसने जो है ना सेंस करना है पीछे से जो सिग्नल आ रहे हैं लेज़र के ज़रिए, जो एलडीआर के ज़रिए सिग्नल आ रहे हैं कि वोल्टेज में कोई डिफरेंस आ रहा है, इसकी लाइट इंटेंसिटी में फ़र्क आने से उसने इसको सेंस करना है। अगर तो वो वोल्टेज डिफरेंस जो है एक वोल्टेज खास वोल्टेज से ज़्यादा हो गया तो इसने ऑन हो जाना है। जब ये ऑन होगा तो इसने इस मॉस्फेट ट्रांजिस्टर को जो इसके गेट पे वोल्टेज देने हैं। अब इस ट्रांजिस्टर का काम ही ये होता है कि इसकी अगर बेस पे एक दफ़े वोल्टेज दिए तो इसने ऑन हो जाना है। अगर वोल्टेज इस पर अगर ऑफ भी हो गया इसकी बेस में तो इस ट्रांजिस्टर ने ऑन ही रहना है तब तक जब तक इसकी बेस को हम दोबारा ग्राउंड ना कर दें, यानी कि डिस्चार्ज ना कर दें, क्योंकि इसकी बेस में एक कैपेसिटर लगा होता है। अब जब इसने ऑन हो जाना है तो इसने इन दो आईसीज को भी ऑन कर देना। अब ये जो दो आईसीज हैं इनका काम सिर्फ ये है कि इन्होंने साउंड प्रोड्यूस करना है स्पीकर के लिए, क्योंकि अब इसने ऑन तो होना है, स्पीकर जो डीसी करंट तो नहीं ना लेते इन स्पीकर ने इस फ्रीक्वेंसी का, किसी खास फ्रीक्वेंसी का ऑन ऑफ का सिग्नल लेना है। तो ये जो आईसीज है इन्हें टाइमर आईसीज कहते हैं कि ये खास फ्रीक्वेंसी का जो आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं। अब ये आईसी लगाई है कि इसको जो है स्पीकर की ना ऑन ऑफ या होने की जो स्पीड को वो टेस्ट करते हैं। जैसे कि अब हम इसको इस तरफ करेंगे ये ऑन ऑफ ज़्यादा कम स्पीड से होगा, यानी कि इसकी फ्रिक्वेंसी हमने कम कर दी, इस तरफ करने से इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी इसी तरह। लेकिन ये हमने इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज तकरीबन 1 हर्ट्ज़ से लेकर 10 हर्ट्ज़ तक लिखी है, यानी कि बहुत कम फ्रीक्वेंसी है इसकी। अब यहाँ पे ये जो दूसरी आईसीज है इसकी रेंज तकरीबन 200 हर्ट्ज़ से लेकर 1000 हर्ट्ज़ तक रखी है, क्योंकि इसने असल में साउंड प्रोड्यूस करना है इस आईसी ने। जैसा कि यहाँ पे ये साउंड प्रोड्यूस कर रही, जब हम इसकी नॉब को घुमाएंगे ये किसी खास फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करेगी। जैसे कि ये आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, ब्रीक आवाज़ हो गई, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, आवाज़ जो इसकी ज़्यादा हो गई।